أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم मैं नया फ़ातिमा आपसे जाफरिया सोसाइटी यूट्यूब चैनल के जरिए से मुखातिब हूँ। इस चैनल को मोमिनीन और मोमिनात से के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन और मोमिनात इससे इस्तफादा हासिल कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, यजीद के सियाह दौर के सियाह कारनामों में से तीन सेरे फहरिस्त हैं। यजीद ने अपनी 3 साल और कुछ माह की हुकूमत में बहुत बड़े बड़े मुजालिम ढाए, जिनमें से हर एक इसके ख़ानदान को जलील करने के लिए काफ़ी है। यजीद ने जो अपनी हुकूमत में मुजालिम ढाए, उनमें से एक जो है वो करबला का खूनी वाक़या है। यजीद की हुकूमत के आगाज़ में इसके हुक्म से सबसे बड़ा जुल्म जो रोनुमा हुआ वो 61 हिजरी में करबला का खूनी वाक़या है, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बा ईमान साथियों को शहीद किया गया और औलाद नबी के की औरतों और बच्चों को उसके कारिंदों ने असीर किया। और इसी तरह जो दूसरा उसने जुल्म ढाया वो मदीना के लोगों का वसी पैमाने पर कत्ल था। ये वाक़या 63 हिजरी के ज़िलहज के महीने में रोनुमा हुआ और वाक़या हुर्रा या हर्रा, बाज़ ने हुर्रा कहा है बाज़ ने हर्रा, वाक़या हर्रा के नाम से मारूफ हुआ। करबला के खूनी वाक़े के बाद लोग यजीद की खबासत और बेदीनी से आगाह हो गए, लिहाजा उन्होंने इसके ख़िलाफ़ क़याम और जहाद करने शुरू कर दिए। कहते हैं कि वाक़या हुर्रा में इस वाक़े में महाजिर और अंसार से 1700 अफराद और दूसरे मुसलमानों में से 10,000 लोग कत्ल हुए। इब्ने अबी हदीद लिखता है, शाम के लश्कर वालों ने मदीना के लोगों के इस तरह सर काटे जिस तरह का सांप बेर बकरी का सर काटता है, इस तरह खून बहाया कि इसमें कदम नहीं रखा जा सकता था, यानी कि इस कदर खून वहाँ पर जमा हो गया था। महाजिर और अंसार की औलाद और जंग बदर के मुजाहिदों को कत्ल की कर दिया गया और जो इनमें से बाकी रह गए थे इनको यजीद के ग़ुलाम की हैसियत से बैत ली। मुख़ीन लिखते हैं कि मुस्लिम बिन उकबा ने इस कदर बेगुनाह लोगों का खून बहाया कि वो मुसरफ़ यानि कि बहुत ज़्यादा खून बहाने वाले के नाम से मशहूर हो गया। यकूत हमूदी लिखता है कि इस वाक़े में मुस्लिम बिन उकबा ने औरतों को भी अपने फ़ौजियों के लिए मुबाह कर दिया था। सियूती के जो कि अहल सुन्नत का मशहूर आलिम नकल करता है कि हसन बसरी ने इस वाक़े को याद करते हुए कहा कि खुदा की कसम इस वाक़े से किसी को भी निजात नहीं मिली, या कत्ल कर दिए गए या इनकी तोहीन की गई। इस वाक़े में बहुत ज़्यादा असहाब और दूसरे मुसलमान कत्ल कर दिए गए, मदीना को गारत कर दिया और हज़ार लड़कियों के साथ जिना किया गया। फिर वो बहुत ही अफसोस के साथ कहता है, सियूती के जो कि अहले सुन्नत का आलिम था, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ीज़ान मोहतरम, फ़कत यही नहीं यजीद के सियाह कारनामे थे, उसने एक तीसरा जो बहुत ही बदतर काम अंजाम दिया वो काबा में आग लगाना था। यजीद का लश्कर मदीना को गारत करने के बाद अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से जंग करने के लिए मक्का की तरफ चला। मुसरफ़ यानी कि जो मुस्लिम बिन उकबा भी जिसको कहा जाता है, रास्ते ही में हलाक हो गया। इसने मरते वक्त यजीद की सिफारिश की बिना पर हसैन बिन नुमैर को लश्कर का कमांडर बना दिया। शाम के लश्कर ने मक्का का महासरा कर लिया और इब्ने ज़ुबैर ने मस्जिदुल हराम में पनाह ले ली। इस पर हमला किया, उन्होंने मंजनीक से हरम खुदा पर आग बरसाई जिसके नतीजे में खाना काबा के पर्दे और छत में आग लग गई। मौरखीन लिखते हैं कि ये आतिश सोजी 3 रबीउल अव्वल
63 हिजरी यानी कि 63 हिजरी में लगाई गई। मक्का का मुहासरा और अब्दुल्ला बिन जुबैर और इसके साथियों से जंग जारी थी कि यजीद के मरने की खबर शामियों तक पहुंच गई, जिससे वो मुतफरिक होकर शाम वापस चले गए।